नई जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल का फिर से हड़ताल का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर की अदालतों में कल हड़ताल की कॉल दे दी गई है। बार एसोसिएशंस कल अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर की अदालतों में कल हड़ताल की कॉल दे दी गई है, जबकि नई जुडिशल पॉलिसी के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल का फिर से हड़ताल का ऐलान किया गया है। बार एसोसिएशंस कल अदालती कार्रवाई का बायकॉट भी करेंगे। जैसे ही अदालत की जानिब से नई जुडिशियल पॉलिसी के हवाले से ऐलान सामने आया तो हड़तालों की कॉल दी गई है। अरशद अली से मजीद बात करेंगे। अरशद, हड़ताल का सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, जो है वो नई जुडिशियल पॉलिसी के हवाले से जो मुतारफ़ करवाई गई है, उस हवाले से पंजाब बार काउंसिल ने कल और परसों के रोज़ जो है, यानी कि दो रोज़ जो है वो हड़ताल की कॉल दी है। और इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल की जानिब से वकला से ये अपील की गई है कि दो रोज़ वकला जो है वो अदालती बॉयकॉट करेंगे। और इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल ने इस चीज़ का मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है वो नई जुडिशियल पॉलिसी जो है वो उस पर नज़रसानी की जाए। और इसके साथ साथ पंजाब बार काउंसिल ने यह भी कहा है कि नई जुडिशियल पॉलिसी बनाते हुए जो है वो वकला को और इसके साथ साथ पाकिस्तान बार एसोसिएशन और इसके अलावा जो है वो पंजाब बार काउंसिल को जो है वो इतमाद में नहीं लिया गया। तो इसके साथ साथ वकला की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तमाम तर फौरी तौर पर जो है वो 22A 22B जो कि अंदराज मुकदमात की समाअत करने का इख्तियार अदालतों को था, उसके हवाले से जो है वो मुतहद अदालतों को ये इख्तियार दोबारा से जो है वो दिया जाए। इस वक्त जो है वो वकला जो है वो दो रोज़ जो है पंजाब बार काउंसिल के मुताबिक अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। इससे कबल जो है वो 15 मार्च को भी पंजाब बार काउंसिल ने एक दिन की हड़ताल की कॉल दी थी, तमाम जो है उसके बाद जो है वो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, जिसके बाद जो है वो पंजाब बार काउंसिल ने अब दो रोज़ की जो है वो हड़ताल की कॉल दी है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान बार काउंसिल ने हर जुमेरात को जो है वो हड़ताल की कॉल दी है कि हर रोज़ हर जुमेरात को जो है वो वकला हड़ताल किया करेंगे और अदालती बॉयकॉट किया।